या किडला काबे लुक तू दोबारा ने हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं, पुराना स्लैब आगे बढ़ाना है तो उसको रेन्फोर्समेंट कैसे देना है, स्टील बार उसमें कैसे प्रोवाइड करना है, बीम कैसे प्रोवाइड करना है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इस लोकेशन पर जहाँ पर हमारा काम चालू है, पुराना 4 बीम कैंटिलीवर बीम निकला हुआ है तो हम उसके ऊपर एक 4x12 का बीम रेस करने वाले हैं, क्योंकि पहले का जो बालकनी था, छज्जा था उनका, वो 2 ही फीट था, अभी उसको ले रहे हम 3 फीट, और उसके ऊपर आएगा एक 4x12 का बीम, पार्टीशन बीम, क्योंकि उसी के ऊपर जो है दीवार का लोड जाएगा। जो वीडियो अच्छी तरह ध्यान देके पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, तब भी आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे स्लैब बहुत जगह तोड़ के बड़ा करवा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आगे बालकनी तोड़ के बहुत जगह पर बढ़ा रहे हैं, हो सके कहीं आपके भी काम आए, आपका भी अगर बालकनी छोटा है तो आप भी बढ़ा सके, तो इसलिए वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखिए। टॉप में कौन सा और बॉटम में कौन सा सरिया रख रहे हैं ये अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और साइट पर ही चलते हैं। दोस्तों नए काम के वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन पुराने कामों के वीडियो बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि ऐसे काम हम भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, बहुत जोखिमदारी का काम रहता है, जिम्मेदारी का काम रहता है। आज बना दिया और कल गिर गया, कुछ ऊपर से लोड दिया, दीवार का लोड दिया या कुछ भी वैल्यूएशन बनाया दीवार के ऊपर, तो उसके ऊपर लोड आता ही है, तो ये जो हम काम करते हैं वो क्रैक नहीं होना चाहिए, उसको धक्का नहीं पहुँचना चाहिए, जरा भी कोलैप नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। अभी ये जो बीम हम दे रहे हैं ये 4x12 का बीम है, इसमें 4 सरिया, इसमें 10 mm का हमने लिया है, और सामने से जो कैंटिलीवर बीम निकले हुए हैं 4, उसके ऊपर ये बीम रेस होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसको कैसे रेस कर रहे हैं, कौन सा सरिया टॉप में और कौन सा बॉटम में रखने वाले हैं, इसके ऊपर आप अच्छी तरह से ध्यान देना और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना, क्योंकि घर बनाने वाली बात है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मजाक में न ले, अच्छी तरह से ध्यान में रखे, मैं जो कहता हूँ और करता हूँ उसे अच्छी तरह से ध्यान में रख ले, क्योंकि कभी भी आपके काम आ सकता है। आपने बहुत से वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देखे होंगे, कितने मकान प्लेन की वजह से तोड़ के बनाए हमने, और अभी यहाँ पर क्या है, इनका बालकनी जो था पहला 2 ही फीट था, और ये बालकनी अभी उसको मकान ऊपर बनाना है, ऊपर दूसरी मंजिल चढ़ाना है, तो उसको कम लगने लगा, कम तो था ही, कम लगने लगा ऐसी बात नहीं है, कम तो था ही, इसे तो कभी ना कभी तो चौड़ा करना ही पड़ता। अभी यहाँ पर देखिए हमने कौन सा सरिया बॉटम में रखा है और मेन सरिया कौन सा दिया है, वो सामने जो दिख रहा है 4x12 का बीम है, और ये कैंटिलीवर बीम जो निकला हुआ है 9x12 का, उसके नीचे से ये सरिया गया है, वो बीम का सरिया उसके ऊपर है, ये देखिए इसी तरह से ये बीम लोड लेता है। इसमें रिंग जो है 6 mm की है, और पूरा सरिया एक्टिवेशन और मेन सरिया भी हम 10 mm का यूज करने वाले हैं। 4 नहीं काफी ले इसको, तू 23 मार, 24 नहीं भी काफी ले तो मामा चल मामा, ओ 23 नहीं 24 नहीं आ सका पिक्चर, क्या बे क्या बिल्ला, हां क्या बिल्ला, 4 नहीं मैं 4 नहीं बा क्या का आते आई बंद बंद का आते तालू उन मोर। स्टील कैसे देना है इसके अंदर, ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी दोस्तों। अभी ये एक बात और ध्यान में रख लो, जहाँ पर अभी जॉइंट है, छत को कटिंग किया हुआ है ब्रेकर मशीन से, ढलाई से पहले इसको अच्छे पानी से साफ कर लेना है, और सीमेंट का घोल केमिकल मिला के इसके ऊपर छिड़काव करना है, ताकि नया स्लैब और पुराना स्लैब में जॉइंट अच्छी तरह से पकड़ सके।
बारडोली में है नहीं होगा ऊपर बाकी वो उधर के लिए बना दो फिर आगे।